आज हम लोग ने उसने काम स्टार्ट किया तो उसका काम तब कंप्लीट होता है जब वो हमको हमारी घर की चाबी देता है दरवाजों के साथ। तो बेसिकली एवरीथिंग कम्स इन दैट, जो हमारा डोर है, डोर जैम्स है, विंडोज है, ये सारा मतलब पूरा घर बन के आ जाता है हमारा, दैट कम्स एज अ वर्क ऑफ टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर। तो वहां पे भी काम सिर्फ एज अ पीएमसी मेरा काम है उसके ऊपर सुपरविजन करना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या काम करना है ये भी हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, कितना कितना क्वांटिटी डालना है, कितना कौन से क्वालिटी का मटेरियल डालना है, ये चीजें भी हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब सारी चीजें हम एसजीएम के थ्रू ही लेके जा रहे हैं, एसजीएम के थ्रू ही अप्रूव करवा रहे हैं, तो मेंबर्स को कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी इसके लिए भागना या कहीं पे भी टाइम निकाल के जाना, इवन बैंक लाइजनिंग की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट फंडिंग का भी वी आर देयर, वी आर वर्किंग विद द बैंक इन द कोर कमिटी स्पेसिफिकली। तो बहुत सारे पीएमसीज एम्पैनल्ड है, उसमें से हम 5 पीएमसीज है, वी आर वन ऑफ देम, जो मुंबई बैंक के सेल्फ डेवलपमेंट टीम में काम करती है। सेल्फ डेवलपमेंट का जो लोन जो उनका एडवांसेस लोन का जो डिपार्टमेंट है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के अलग से सेल है, तो हम वहाँ पे है, वी आर वर्किंग विद द ऑफिशियल्स, हम उनको रिकमेंडेशन देते हैं कंसिडरिंग जो भी डे टू डे हमारे एक्सपीरियंसेस है सेल्फ डेवलपमेंट में, तो वी आर वर्किंग विद देम। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ बैंक में आ सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स की साइट विजिट्स कर सकते हो, सो यू कैन मूव एट योर विल, बट आपको कहीं पे भी भागना नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो हम बताते हैं कि वी प्रोवाइड ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो सेल्फ डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है ना सोसाइटी मेंबर्स के लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऐसा उनको लगे ना कि हमको कहीं पे भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, इट शुड बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड जैसे मैंने आपको वो एक विजन बताया आपका घर का, तो वो देख के आपको जैसा महसूस हुआ वैसे ही आपको पूरा आपका सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में वैसा महसूस होना चाहिए, यही हमारी कोशिश रहती है पूरा जो हम रीडेवलपमेंट करते हैं उसमें। नैन सर, अगर आपको और कुछ बोलना हो। आपने उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया था सेल्फ में और बिल्डर्स में, तो बिल्डर्स ने आपने जीरो कंसीडर किया है, मुझे वो समझ में नहीं है वो आपने कौन से कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया। कैसे होता है ना, व्हेन वी वर्क आउट सेल्फ और बिल्डर, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं फीजिबिलिटी का, सेल्फ रीडेवलपमेंट हो या बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट हो, हम पहले ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना हमको टोटल जो कॉस्ट है, रिकवरी है, बेसिकली क्या रिकवर करना है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा फिक्स हो जाता है। ओके, क्योंकि जो खर्चे लगने वाले हैं प्रोजेक्ट में वो तो फिक्स है, आप सेल्फ में जाओ डेवलपर में जाओ थोड़े वेरियंसेज है, लाइक रेंट इधर कंसिडर किया उधर नहीं किया है, तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट मार्जिन है, अभी अगर हम प्योरली डेवलपर की बात करें तो उसको प्रोजेक्ट में लगने वाला खर्चा है, प्लस मैं अगर डेवलपर हूँ तो मैं बिजनेस पर्सन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं काम तब तक नहीं करूंगी जब तक उसमें से मुनाफा नहीं छूट रहा हो। तो एज अ डेवलपर अगर उसका इंटरेस्ट का खर्चा भी मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट में पकड़ लिया है, फिर भी मुझे 20-25% तो एटलीस्ट एक प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट, एक डेवलपर को क्या रिकवर करना है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसका प्रॉफिट। अभी वो रिकवरी कहां से करेगा, सेल में से। जब हमने जो सेल रेट कंसीडर किया है, वी हैव टेकन 23,000 से लेकर 27,000 का रेंज लिया है, तो एवरेज में 25,000 आता है। अभी ये रेट से जो भी मेरा सेल निकलेगा उसमें से मेरा जो रिकवरी है, मतलब प्रॉफिट का भी मेरा रिकवरी और मेरा कॉस्ट का रिकवरी, उसके बाद जो भी बचता है वो एलोकेट होता है टुवर्ड द मेंबर्स, कि चलो मेरा मेरे को जितना प्रॉफिट था मिल गया, अभी बाकी जो भी है मेंबर्स में करो। सो नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट मार्जिन, इवन फॉर अ डेवलपर, अगर वो मेंबर्स को 1% भी एडिशनल एरिया दे रहा है या उसको रेंट दे रहा है या कॉर्पस फंड दे रहे हैं, तो उसका वो 25% का मार्जिन मेंटेन ही नहीं होगा, उसका मार्जिन डाउन आ जाता है। मतलब इवन इफ यू आर कंसिडरिंग 0% एडिशनल एरिया, रेंट कॉम्पोनेंट ही कंसिडर किया, रेंट कॉम्पोनेंट एंड कॉर्पस कॉम्पोनेंट, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 15% या 14% या 13% पे भी आ जा सकता है। तो हाँ बेसिकली आज डेवलपर की अगर फिजिबिलिटी हम देखें तो डेवलपर कैन गिव यू, आपका जितना आज एरिया है उतना ही वो बांध के दे सकते हैं, देन दैट प्रोजेक्ट विल बी फिजिबल फॉर हिम, तो कोई भी इंटरेस्टेड डेवलपर काम कर पाएगा प्रोजेक्ट पे, वैसा है। इसमें उनका कहना क्या है कि उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ फंड पकड़ा है
उन्होंने जो एरिया पकड़ा है और जो सेल कॉस्ट पकड़ी है, इसमें तीन फंजिबल एरिया आ जाते हैं। या तो सेल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जो एवरेज 25,000 पकड़ा है उसकी जगह 29,000 ले जाएगा तो बिल्डर 26% मेंटेन कर पाएगा, या फिर बिल्डर को अपना बाकी चीज़ मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा और अपना रेंट और वो निकालने के लिए या तो उसका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। तो अब जैसे 12 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट पकड़ा है, कोई बिल्डर अगर बोरो ही नहीं करेगा तो उसको फाइनेंस कॉस्ट नहीं आने वाली। इसमें और एक क्लेरिफिकेशन देता हूँ कि एक तो चीज़ है कि नंबर वन, अगर डेवलपर लेट रिडेवलपमेंट है उसमें कुछ कॉस्ट बढ़ जाते हैं। हाँ, एक नंबर वन है कि स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं डेवलपर, तो सेल्फ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है, एक नंबर वन। नंबर टू, एक जीएसटी होता है विच 2019 से एक और एक इम्प्लीमेंट हो चुका है, ऑल सीएस कोई भी होंगे तो उनको मालूम होगा। तो ये अभी जो मेंबर का एरिया होता है, जो पूरा मेंबर का एरिया, उसके ऊपर जो मार्केट रेट है, जो फर्स्ट सेल रेट होने वाला है, उस पर 5% जीएसटी भी डेवलपर को मेंबर के पूरे एरिया पे देना है। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर कॉस्ट विच इज मच मोर हायर, मतलब एक प्रोजेक्ट में ये बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है जो डेवलपर के लिए। थर्डली, कि जो अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम रख रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसमें से आपने कुछ भी डेविएट किया देन यू कैन गेट इंक्रीज इन योर ऑफर जो आपका एडिशनल एरिया है। बट यहाँ पे हमने ये एक मद्देनजर रखा है कि हम ये यहाँ पे जितना भी कंपैरिजन है, जो कंस्ट्रक्शन है, दैट इज सेम, वन नंबर वन। नंबर टू, कि जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी अप्रूवल्स लेने, जैसे नुपुर ने ऑलरेडी टोल्ड कि जैसे कि आपको अप्रूवल लेने हैं वो पूरे अप्रूवल लेने हैं। अगर इसमें से बहुत से कम डेवलपर हैं जो पूरे अप्रूवल लेते हैं, अगर वो पूरे अप्रूवल लेंगे तो उसका पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, क्योंकि आज का मार्केट ऐसा है कि वेन यू हैव टू, अभी पहले प्रोडक्ट ये बन जाता है, वेन यू कंस्ट्रक्ट देन ओनली कैन स्टार्ट सेलिंग। तो ये जो इतना पूरा इन्वेस्टमेंट अगर लगेगा तो दैट इंटरेस्ट कॉस्ट विल ऑल्सो भी उनको बॉर्न करना पड़ेगा। एंड जो आज उनको इंटरेस्ट कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट में, या तो जो अगर वो और किधर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपेरिजन करेंगे। अगर मेरा खुद का भी पैसा है एज अ डेवलपर है तो आई विल इन्वेस्ट इन समवेयर जहां से मेरे को क्या रिटर्न आ सकता है, तो उतना तो इंटरेस्ट चार्ज वो लोग प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, देन ओनली दे विल वर्क अहेड। कि उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट आने के बाद व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी। सो ये अगर प्रोजेक्ट 3 साल तक चलने वाला है या 4 साल तक चलने वाला है, तो अगर ये 4 साल में 25% उसको मार्जिन मिलेगा तो इट इज वेरी थिन मार्जिन स्टिल, एंड ये थिन मार्जिन पे भी लोग काम नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एक फंजिबल FSI है, क्योंकि दोनों का सेल हमने सेम लिया है, द बोथ द सेल सेम लिया है, फिर भी एक्स्ट्रा एरिया नहीं है, एंड एक्स्ट्रा एरिया सेल में नहीं जा सकता है। वो जो ये एडिशनल एरिया है, जो मेंबर का जो फंजिबल देना है, फंजिबल मेंबर के लिए कंपलसरी है, तो वो अगर कंस्ट्रक्शन उतना कम करेंगे तो उनको उतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट कम आएगा, तो वो कॉस्ट उनका बचता है। दैट इज वाई देयर कॉस्ट इज कमिंग डाउन, बट सेल दोनों के लिए सेम रह जाता है। कि जो मेंबर का जो एरिया है उसका एडिशनल एरिया देने के बाद में जो सेल एरिया बचने वाला है तो दोनों में सिमिलर रहने वाला है। सो दैट इज व्हाट द होल थिंग, जो फिजिबिलिटी पॉइंट में ये पॉइंट, दिस इज नॉट अ फाइनल फिजिबिलिटी। उनके पास जो हमारा एरिया है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, बराबर है। सो दिस वाज अ प्रोजेक्टेड थिंग, सो इनको इनवाइट करने का जो हमारा इंटेंट था वो फिजिबिलिटी तो हम अप्रूव कर चुके हैं, हमारी फिजिबिलिटी आप लोग के पास है, बराबर है। सो माय रिक्वेस्ट इज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट फिजिबिलिटी एज ऑफ नाउ। See, I got the point. So basically, if we go to developer, he will develop. Right now, we are not appointing them, so they will take all the assets. That is clear. मुझे खाली वो समझ भी नहीं आया। हाँ, we need to fine tune it. So we need to fine tune it. इसमें और cost थोड़ा खींचना पड़ेगा। थोड़ा सेल प्राइस को 23 का 25 करना पड़ेगा। अपना फिजिबिलिटी को 25 का तो अभी देख ही नहीं रहे, पहले तो बने हैं। हाँ, ऐसा तो बात की बात है। करेक्ट करेक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ। सेकेंडली, एक मुझे दूसरा भी था। अभी बेसिकली ये तो आपने कंसिडर किया है 6,300 पर स्क्वायर फीट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट है वो कंसिडर किया है। तो बेसिकली दैट कैलकुलेटेड ऑन व्हाट बेसिस, दैट द एरिया द प्राइसेस इफ यू कंसिडर 25,000 ओनली। अगर 25,000 में बेच रहे हैं अगर एवरेज माल,
तो अगर हमको लोन लेना है फ्रॉम बैंक देन दे विल आस्क फॉर एटलीस्ट अ 20% बफर, मतलब अगर कुछ मार्केट में अप डाउन हो गया तो ये दैट देट विल कवर दैट अमाउंट। ओके, तो इसके लिए जो बफर होना जरूरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका कॉस्ट है एंड सेल्स है दोनों सेम होना, सो दैट इज दैट शुड बी अ बफर इन टू दैट, दैट इज द हाई रिस्क। अगर वो अगर कम हो जाता है तो दैट इज अ लो रिस्क, तो लो रिस्क में ही बैंक लोन देने वाली है, तो जो वो 20% बफर है दैट विल कम एज अ प्रॉफिट टू द सोसाइटी, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक मेंबर दैट इज पॉसिबल। पहले भी हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जब सेल्स में जाते हो तो कॉर्पस लास्ट में आता है, और आप अगर बिल्डर में जाते हो तो कॉर्पस पहले आ जाता है, करेक्ट। और कॉर्पस क्यों लास्ट में आता है सेल्स में, क्योंकि टोटल सेल होने के बाद पीएनएल में क्या बचा वो फिर 60 मेंबर में पर स्क्वायर फीट डिवाइड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज हायर। नहीं, वो तो एस्टिमेट ही है ना, इट इज एस्टिमेट ओनली, आज कोई प्रॉमिस ये नहीं कर रहा, इट इज एस्टिमेटेड, बट वो मेंटेन हो सकता है। उसका रीजन क्या है, कल को अगर 21,000 में माल बेचना है तो हम नहीं बेचेंगे, अगर 25,000 पकड़ के बैठेंगे ना तो 25,000 में अपना वो फिजिबिलिटी बैठेगा, दैट इज द आइडिया। आई वॉज ऑल्सो कमिंग टू दैट ओनली बिकॉज मेंबर हैव दैट क्वेरी ऑल्सो के बेचने में इसने 25,000 में बेच दिया और चेयरमैन ने 1,000 रुपया जेब से ले लिया तो क्या करेंगे, मतलब देर इज एक सबसे बड़ा चीज है कि आज के मार्केट में देर इज नो ग्रे मार्केट, देर इज नो ग्रे एट ऑल, आप प्योर व्हाइट, आपका पूरा अकाउंटेबिलिटी है, एंड जो भी कॉस्ट है इसमें समझो कि आप अगर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो वी डोंट हैव टू लुक एट हिज कॉस्ट, बट यस वी टेक इट दैट, हम लोग वो भी अगर देखते हैं कि वो डेवलपर क्या कॉस्ट कर रहा है वो भी हम चेक करते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर डेवलपर डेवलपमेंट हम उसके हिसाब से बात कर सकते हैं, बट अगर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बात करना है तो हर एक चीज जो आपका जितने भी कॉस्ट है बिफोर वेकेटिंग आपके फ्रीज हो जाते हैं, बाद में कोई कॉस्ट बचता ही नहीं, नंबर वन। अभी सेल्स बचता है, सेल्स पूरा 100% अकाउंटेबिलिटी चेक आपको आएगा, देट यू हैव टू अपॉइंट अ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, व्हाट नुपुर स्टोर, वो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम अपना जो अपना रेट्स जो नक्की किए गए हैं उस बेसिस पे वो लोग आगे सेल करेंगे, सो देर इज कोई चेयरमैन नहीं, सेक्रेटरी नहीं, ट्रेजरर नहीं, कोई भी पैसा साइफन आउट नहीं कर सकता, एंड दैट अ चेक होता है फ्रॉम द पीएमसी ऑल्सो एंड फ्रॉम द बैंक पीएमसी ऑल्सो। अगर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वी आर पीएमसी ऑन द बैंक साइड ऑल्सो, तो जहां पे हम हमारा खुद के प्रोजेक्ट नहीं है जो बैंक हमको अपॉइंट करती है एज अ पीएमसी टू चेक ऑन द प्रोजेक्ट, तो ये सब पूरा चेक रख के काम होता है पूरा। और एक अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, तो आप जब आपका मार्केटिंग ऐड दोगे कि यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रहा है एंड फ्लैट्स आर अवेलेबल फॉर अ सेल, अब बिल्डिंग ने 25,000 का भाव डिसाइड किया हुआ है, तो ऐड 22,000 की नहीं जाने वाली, ऐड 25,000 की जाएगी। अब बायर जो आएगा, समझो आप ही बायर हो, आपका ही कोई रिलेटिव के लिए बायर आए हो, आप अगर पीएमसी के साथ में या डेवलपर मतलब जो टॉपकॉन टीम है या किसी और के साथ बोलोगे मैं 30,000 देने को रेडी हूँ, एग्रीमेंट 25 का ही बनाना, नुकसान किसका हुआ, बायर का हुआ, सोसाइटी को तो आपने 25 मिल गए ना, सोसाइटी तो 25 में डायरेक्ट रेडी कर बेचने को रेडी है, कोई इश्यू नहीं है। सो ये एक मिसकंसेप्शन है, थॉट है कि किसका फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम दूसरे का थाली का लड्डू पहले देखते हैं, हम अपनी थाली का लड्डू देखेंगे तो अपना घर टाइम पे बनता है, दैट्स द आइडिया। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन वाज गुड। द एंटायर फाइनेंसिंग विल बी डन बाय मुंबई बैंक, 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यस। सोसाइटी का जो काम है वो 1 FSI IOD तक का खर्चा करके लेके आना है, एंड उसके बाद में जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगता है दैट इज 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो वो बाद में मुंबई बैंक आपको इतना फंड देती है। सो 1 FSI IOD के लिए फॉर योर प्लॉट साइज विल बी हार्डली अराउंड 1.5 crores आपका मैक्सिमम, इतना तक आपको वो इन्वेस्टमेंट आपका आएगा, दैट कैन बी डन बाय मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन करे, नंबर वन। नंबर टू, या तो आप कोई अपने जो एडिशनल एरिया लेना है किसी को, हाँ अगर आप लोगों को अंदाजा होगा तो हमने ये कैलकुलेशन एक बार किया था, तो हमको जो मेंबर लोगों ने अभी तक लिखवाया है वो 7,500 स्क्वायर फीट है, जिसको एडिशनल जगह चाहिए, किसी को 50 फुट चाहिए, किसी को 100 फुट चाहिए, किसी को एक कमरा चाहिए, किसी को एडिशनल फ्लैट चाहिए, तो कम से कम 28 लोगों ने हमको बताया था, ठीक है वो बात को 2-2.5 साल हो गए हैं, आगे वो प्लान चेंज हो सकते हैं, वो 7,500-8,000 फुट 5,000 में भी जा सकता है, 10,000 में भी जा सकता है, सो आइडिया ये है कि वो हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट 12 करोड़ का पकड़ा है, अगर आपका सेल कंटिन्यू स्टार्ट होता है, आपने जब प्लिंथ पे लेके आए
और आप अगर 25 में आज अगर आपका समझो 25,000 फुट बिक रहा है माल, आपको लेना है एस्क्रो में पैसा डाल दीजिए, आपका ब्याज लगना बंद हो जाएगा, आप 12 करोड़ में वहाँ भी बचा सकते हो। सो ये आपको जब जाना होगा तब उसको फाइन ट्यून होता है। आज इसको आप रैंडम पकड़ के चलिए, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बाकी इसमें जब प्रोफेशनल लोग बैठते हैं काम करते हैं तो वो हर एक जगह से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अच्छा, आपने जो दो कॉलम्स दिए थे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 41.34 और 39.41, जो फर्क है हर एक में वो क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कम करेंगे, ऑफर नहीं कर रहे हैं ना, एडिशनल एरिया ऑफर नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दैट कंस्ट्रक्शन विल बी लेसर, सो दैट्स व्हाई दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लेसर। कुछ बीएमसी में कॉस्ट कम आ जाएंगे बिकॉज देयर इज नो डेवलपमेंट कॉस्ट, नो डेवलपमेंट चार्जेस, जो लैंड है या बिल्डिंग का डेवलपमेंट चार्जेस है या दूसरे और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, सो जो बीएमसी में भरने पड़ते हैं वो भी कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सेल्फ में ज्यादा दिख रहे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यस, दैट इज द रीजन कि वो एडिशनल एरिया ज्यादा वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसके, सो दैट विल बी कंस्ट्रक्टिंग मोर। कंस्ट्रक्शन एरिया अलग था ना दोनों का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नयन जी, थैंक यू सर, थैंक यू नुपुर, थैंक यू। सो अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है, वी हैव अनदर टीम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस, उनका कोई प्रेजेंटेशन नहीं है बाय द वे, वो लोग डायरेक्ट बात करेंगे आपसे, सो जस्ट एक 5 मिनट का ब्रेक।